हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 साइंस। और हमने स्टार्ट कर रखा है लाइट वाला चैप्टर। ठीक है, तो लाइट वाले चैप्टर में ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और लाइट की चीज़ों के बारे में बताया था। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि लाइट हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लाइट की जो स्पीड है वो मेजरेबल है, कितनी होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर मैंने बताया था लाइट की 2 घटनाएँ, एक रिफ्लेक्शन बताया था, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। मगर इसका मतलब क्या है कि लाइट की रे गई और किसी सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और टकरा के वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, लाइट की रे जाएगी और मीडियम जैसे ही चेंज होगा तो लाइट की रे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था रिफ्लेक्शन पर क्या आधारित है, मिरर जो हम पढ़ेंगे वो किस घटना पर आधारित है, मिरर आधारित है हमारी रिफ्लेक्शन की घटना पर, जबकि लेंस जो होते हैं वो किस घटना पर आधारित है, वो आधारित है आपके रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, अच्छा इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। एक नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आप रिफ्लेक्शन से क्या समझते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन इसके प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे, हमारी जो मतलब अपनी लकी एजुकेशन ऐप है वहीं पर चैप्टर, और चैप्टर के नीचे आ जाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, वो चीज़ आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, जो जो चीज़ पढ़ा दी जाएगी वो चीज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ओके, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज़ तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एक नंबर की डेफिनेशन है, आ जाए तो उसको लिख देना है। दूसरा, टाइप्स ऑफ अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ध्यान रखना रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। ठीक है, ये इसकी कौन सी सरफेस हो गई, हमने सपोज एक प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर पर इसको समझते हैं। ठीक है, एक मिरर इधर ले लेते हैं प्लेन, और इधर लेते हैं रफ सरफेस। ये वाली जो सरफेस है ये है आपकी स्मूथ सरफेस। कैसी है, स्मूथ सरफेस। और ये आपकी सरफेस है रफ सरफेस। ठीक है, और ये हो गई आपकी कौन सी साइड, कोटेड सरफेस। मतलब कोई भी मिरर विरर जो होगा उसकी भी कितनी, 2 सरफेस हो जाएंगी, एक तरफ से लाइट टकरा के वापस जाएगी और एक नॉर्मल वाली। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोटेड सरफेस, ये कौन सी हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम यहाँ पर हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी आपकी कोटेड सरफेस, और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओवरऑल इसको ऊपर से देखें, ऊपर से देखती रफ, रफ मतलब हार्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है, हार्ड सरफेस। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये ऊपर से कैसी है, रफ है, खुरदरी, ये सरफेस कैसी है, खुरदरी, और ये कैसी है, एकदम स्मूथ। कैसी है, स्मूथ, देख रहे हो ना, ऊबड़ खाबड़ सी बनी हुई, जिग जैग सी, ये ऊबड़ खाबड़ है या फिर रफ सरफेस है। दूसरी कैसी ले ली हमने, स्मूथ, एकदम प्लेन सरफेस ले ली। कैसी सरफेस ले ली, प्लेन। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं। अब देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया, एक लाइट की रे आई, लाइट की रे आएगी, टकराएगी, सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और टकरा के ऐसे चलेगी ये लाइट की रे बन। सपोज दूसरी लाइट की रे हमने यहाँ से ली, एक और लाइट की रे आई, ये आने वाली रे टकराई, वापस चली गई। फिर एक और लाइट की रे ले लेते हैं, देखो एक लाइट की रे और ले ली, ठीक है, लाइट की रे आई, टकराई, वापस चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारी सरफेस, ध्यान देना, अगर हमारी सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, तो जो आने वाली रेज होती हैं,
आने वाली रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो टकरा के वापस जा रही हैं, किसी सरफेस से टकरा के जब वापस जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग रेज। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग रेज बोलेंगे। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट का मतलब आती हैं, गिरती हैं, ये इंसिडेंट रे का मतलब है रे आई और गिर गई किसी सरफेस पर और टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि इंसिडेंट रे अगर किसी सरफेस पर आ रही हैं, टकराने के बाद ये एक दूसरे के क्या हो रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि इंसिडेंट रे आती हैं, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, तो ये जो घटना है इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ध्यान देना, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसकी कंडीशन क्या है? सरफेस कैसी होनी चाहिए? स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। यह जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की घटना आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? स्मूथ सरफेस को देखने को मिलेगी। अगर सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी क्रिस्टल एंड क्लियर। इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे? क्रिस्टल एंड क्लियर इमेज बनती है। कैसी सरफेस पर? स्मूथ सरफेस पर। और स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा रिफ्लेक्शन है हमारा, तो ध्यान देने, ये जो मिरर लिया है हमने, ये कौन सा मिरर लिया है हमने? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर लिया है? प्लेन मिरर। ये कैसा है? ये रफ है, ध्यान देना। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इसमें कोई लाइट की रे आई, यहाँ टकराई, टकरा के ऐसे चली गई सपोज, ठीक है, दूसरी लाइट की रे सपोज यहाँ पे आई, ऐसे आएगी, टकरा के ये ऐसे चली गई, और तीसरी लाइट की रे सपोज यहाँ पर आती है, ये ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लाइट की रे आ तो रही है, लाइट की रे आ तो रही है, ये इंसिडेंट रे हुई। कौन सी रे हुई? इंसिडेंट। आने के बाद जब ये टकरा के वापस जाती हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, और एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? ब्लर्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? ब्लर्ड। और यहाँ पे सरफेस कैसी ली है? रफ सरफेस ली है। तो ध्यान देना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज होती हैं, इंसिडेंट रे होती हैं, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। भले ही मान लो इंसिडेंट पैरेलल हो रही है, ध्यान देना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रेज आएंगी, मतलब सपोज पैरेलल ही आ रही हैं, मगर टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। ये चीज़ क्या कहलाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाती है रेज? आपस में एक दूसरे के पैरेलल। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टिंग रेज। मगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रेज क्या नहीं हो रही है? पैरेलल नहीं हो रही है एक दूसरे के, और इसलिए यहाँ पे जो सरफेस, वो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? ब्लर्ड इमेज बनेगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? ये कौन सी सरफेस पर होता है? रफ सरफेस पर होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको। किस रिफ्लेक्शन के नाम से? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, कई बार हमने देखा पानी बिल्कुल शांत कंडीशन में, पानी कैसा है अपना, मान लो कोई पौंड है, पौंड में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और पानी कैसा है? एकदम शांत है, हवा नहीं चल रही है, ठीक है, तो बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। आप अपना चेहरा देखोगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। अगर मान लो हवाएं चल रही हैं तो पानी में आपको ऐसे लहरें दिखाई देंगी, तो पानी की सरफेस कैसी हो गई? पानी की सरफेस होगी रफ सरफेस। अब उसमें तुम चेहरा देख के दिखाना, चेहरा दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो कैसा दिखेगा? ब्लर्ड, मतलब धुंधला चेहरा दिखाई देता है। कैसा चेहरा दिखाई देगा? धुंधला चेहरा दिखाई देता है, समझ गए? तो जब पानी शांत है, जब इमेज बन रही है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब पानी में जब हवा चल गई और लहरें क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई? वेव्स, मतलब लहरें क्रिएट हो जाती हैं, तब रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार मैं दोबारा से फिर समझा देता हूँ कि हमने देखा रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? तो आपको बताना है बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन?
एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तीन नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन, एक नंबर का। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का टॉपिक हो गया है, तीन नंबर का टॉपिक हो गया। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है, दो। और ये दो टाइप किस चीज़ के आधार पर है, ये चीज़ ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। सरफेस के आधार पर ये क्या किया है हमने, रिफ्लेक्शन के दो टाइप से देखें, पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा टाइप है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना। रेगुलर रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया था कि जो रे ऑफ लाइट होती हैं जब किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती हैं, कोई भी जब रे ऑफ लाइट जिनको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जब ये किसी स्मूथ सरफेस पर आके गिरती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या रिफ्लेक्शन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, क्रिस्टल एंड क्लियर इमेज फॉर्म होती है, एकदम साफ इमेज आपको बनेगी। कौन से रिफ्लेक्शन में, रेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के क्या पैरेलल नहीं होती हैं, और साथ के साथ में इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है वो कौन सी सरफेस पर देखने को मिलता है, रफ सरफेस पर देखने को मिलता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब होता है तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है ब्लर्ड इमेज। तो दो पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो स्मूथ सरफेस पर हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर हो रहा है, रफ सरफेस पर हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, क्रिस्टल एंड क्लियर बनती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, ब्लर्ड इमेज बनती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चार पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से चार पॉइंट, या फिर आप डेफिनेशन लिख के इन दोनों के डायग्राम बना देना, तब भी काम चल जाएगा। डेफिनेशन लिख देना, इन दोनों के डायग्राम बना देना, और लास्ट में लिख देना यहाँ पे क्रिस्टल एंड क्लियर इमेज बनेगी और यहाँ पर बता देना ब्लड इमेज फॉर्म्ड आप, ठीक है, बस इतना लिख देना। तो ये हुआ हमारा कौन सा टॉपिक, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो तीन क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इनका, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक को विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।